हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीसी के स्टॉक के ऊपर। आज आपको देखने को मिला आईटीसी का शेयर बहुत बढ़िया तेज़ी करता हुआ देखने को मिला। इंट्राडे में 8% का मूव आपको आईटीसी का स्टॉक देता हुआ देखने को मिला, जो नॉर्मली हमको कभी भी देखने को नहीं मिलता है। आईटीसी का स्टॉक अगर दिन में 2 से 3% भी बढ़ जाए तो काफ़ी बड़ा माना जाता है, काफ़ी बढ़िया माना जाता है। लेकिन आज स्टॉक में 8% की आपको अपसाइड देखने को मिल गई। तो फ्रेंड्स, इतनी बड़ी तेज़ी थी तो बाज़ार में अटकलें लगना, सुगबुगाहट होना, ये देखिए मामूली सी बात है। और अब जो बातें चल रही है वो फिर नई निकल के आ रही है। कहा जा रहा है बायबैक अनाउंस हो सकता है कंपनी के द्वारा, या फिर कंपनी को डीमर्ज किया जा सकता है, जो काफ़ी पहले से खबर चल रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे क्या ये खबर की सच्चाई है, और स्टॉक में सबसे बड़ी बात क्या अब 250 रुपीज़ का लेवल आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, आईटीसी ने आज 230 रुपये 30 पैसे पर क्लोजिंग दी, 14 रुपये 30 पैसे बढ़ता हुआ देखने को मिला। 6.62% की आईटीसी के अंदर एक बड़ी तेज़ी आपको आती हुई देखने को मिली, काफ़ी बड़ा माना जाता है। आज स्टॉक देखिए ओपन होता है यहाँ पे करीबन 216 रुपये 90 पैसे पे, उसके बाद लो बनता है 216 रुपये 30 पैसे का। लेकिन उस लेवल से जो इसने देखिए रिकवरी दिखाई, जो तेज़ी दिखाई, वो अपने आप में दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा था। बिकॉज स्टॉक कभी तेज़ी दिखाता नहीं है इतना। जैसे आपको मैंने कहा कि नॉर्मली आईटीसी का शेयर 2 से 3% अगर बढ़ जाए तो ये अपने आप में काफ़ी कुछ बड़ा माना जाता है। लेकिन आज स्टॉक 8% तक बढ़ गया और दिन का हाई बनाया 233 रुपये 65 पैसे का। अगर आप देखेंगे लास्ट 1 मंथ में तो आईटीसी अब आपको 10% की रिटर्न दे रहा है, और लास्ट 5 डेज में 9.10% बढ़ा है। मेनली आज बढ़ा है, लेकिन तेज़ी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल गई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैक्स चार्ट भी, तो आईटीसी ने रिटर्न्स कमा के दिए हैं। करीबन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1260% की रिटर्न है, काफ़ी बढ़िया दिखते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्लो मूविंग काउंटर है, जो साफ साफ बात है। बट अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आज आपने देखा इंट्राडे में इतना बड़ा मूव, क्योंकि आईटीसी में कभी ऐसा देखने को मिलता नहीं है। तो जैसा आपको मैंने कहा कि बाज़ार में अटकलें लगना चालू हो गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बायबैक अनाउंस हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे कंपनी की डी मर्जर के ऊपर कोई नई न्यूज़ निकल के आने वाली है। तो फ्रेंड्स, जो बात करूँ तो बायबैक की, तो देखिए अभी कंपनी की तरफ से ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान निकल के नहीं आया है बायबैक के ऊपर, जस्ट ये न्यूज़ है। लेकिन डी मर्जर, देखिए डी मर्जर के ऊपर कंपनी ने खुद ने भी कहा था पहले कि अगर कोविड के बाद सब सही रहता है, कोविड की कोई नई लहर नहीं आती है, तो हम डी मर्जर के ऊपर विचार करेंगे। कब कहा था? कहा था कि हम अपने होटल बिजनेस को अलग करेंगे। तो ये खबरें देखिए पहले आई है और कंपनी ने खुद ने भी काफ़ी बार इस खबर की पुष्टि करी है, बट अभी इसके ऊपर कोई भी ऐसी न्यूज़ निकल के नहीं आई है। तो जहाँ भी आप देख रहे हैं बायबैक और डी मर्जर का, फ्रेंड्स अभी तक कंपनी ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा है। और आज की जो तेज़ी है वो इससे इंटरकनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। आज जो आपको स्टॉक ने तेज़ी दिखाई है, वो प्योरली तेज़ी जो आपको दिखाई है वो एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद दिखाई है। तो फ्रेंड्स क्या कहा है, देखिए पेशेंस पेइंग ऑफ। जैसे आपको मैंने कहा कि ये लंबे कंसोलिडेशन के बाद की तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है पेशेंस पेइंग ऑफ, यानी आपने जो पेशेंस रखा वो आईटीसी के स्पाइक के अंदर आपको देखने को मिल गया 7% के, जो आज तेज़ी करता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे साफ साफ दोस्तों जो खबर निकल के आई है इसमें साफ साफ कहा गया है एनी मूवमेंट इन आईटीसी ग्रैप्स अटेंशन। जैसे आपको मैंने कहा कि 2-3% की भी कोई तेज़ी होती है तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है, और वही देखिए आज जो इतना बड़ा मूव आया तो डेफिनेटली दोस्तों इस पर अट्रैक्शन बनना, लोगों का अटेंशन देना बनता ही था। एनी बुक मूवमेंट ऑलमोस्ट कैथरेटिक फॉर इट्स इन्वेस्टर्स हु हैव बीन टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट ट्रेडिंग इन अ नैरो रेंज। जैसे आपको मैंने पहले भी कहा, बट परहैप्स दैट पेशेंस इज पेइंग ऑफ। इन्वेस्टर्स रीजॉइज ऑन सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप ग्रुप एज आईटीसी शेयर स्पाइक्ड ओवर 7%। देखिए साफ साफ एनालिस्ट का भी मानना है कि जो आज आपको तेज़ी देखने को मिली है उसका पिन पॉइंट एग्जैक्ट रीज़न जानना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई भी ना तो देखिए कंपनी की तरफ से खबर निकल के आई, ना फिर कोई बयान निकल के आया कोई सोर्स की तरफ से जो आपको यहाँ पर आज तेज़ी देखने को मिली। लेकिन जो आज एक्सपेक्टेशन है दोस्तों वो है कि कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर सोच सकती है, जो अनाउंस हो सकता है अगले मंथ। याद रखिएगा ये खबर है। यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि देखिए अभी काफ़ी स्पेकुलेशंस लग रहे हैं स्टॉक के ऊपर। स्पेकुलेशंस हर बार लगते हैं आईटीसी में, कोई बड़ी बात नहीं है, और जो स्पेकुलेशंस लग रहे हैं उसको कोई भी वेरीफाई नहीं कर सकता है।
ये सारी खबरें हैं और इस खबरों का अभी तक देखिए कोई भी बेस नहीं है। स्पेकुलेशंस लगते हैं स्टॉक के अंदर और वही आपको लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि डी मर्जर, जैसे सबको मैंने कहा कि डी मर्जर के ऊपर हो सकता है, स्पेशली डेट दोज दैट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ कैश लाइक इट्स होटल बिजनेस, जैसे सबको मैंने कहा कि कंपनी हो सकता है कि होटल बिजनेस के ऊपर कर सकती है, या फिर शेयर बायबैक, जैसे सबको मैंने कहा शेयर बायबैक के ऊपर एक मोर प्रोएक्टिव मैनेजमेंट एक्शन ले सकता है, क्योंकि डिमांड यही है कि जिस तरह से देखिए स्टॉक के अंदर तेजी हो रही है, कंपनी खुद जानती है कि उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, तो हो सकता है कि कंपनी अगले मंथ आपको शेयर बायबैक का अनाउंसमेंट कर दे। बट अभी जैसे सबको मैंने कहा कि सारी खबरें हैं, किसी का भी कोई भी बेस नहीं है, तो तेज़ी के पीछे का मेनली कारण कुछ भी निकाला नहीं जा सकता है। अब कंपनी कोई क्लैरिफिकेशन देती है इस तेज़ी पे तो वो बात अलग होगी, अदरवाइज़ आज जो तेज़ी आई है वो ओनली जो तेज़ी आपको आती हुई देखने को मिली है वो ऑलमोस्ट दोस्तों इस कंसोलिडेशन के ऊपर निकल के आई है, या फिर मार्केट के अंदर खुद कुछ चल रहा है तो बात अलग है। अभी कोई भी खबर यहाँ पर कन्फर्म नहीं की जा सकती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं स्टॉक के टारगेट के ऊपर। सो फ्रेंड्स मेनली ITC की बात करूँ तो डेफिनेटली स्टॉक का जो 52 वीक हाई है वो है 240 रुपये के आसपास, 239.20। अब 52 वीक हाई से आपको काफ़ी पास देखने को मिलता है। याद रखिएगा ITC की रेंज थी 220 रुपये की, 220 रुपये की रेंज को देखिए ITC क्रॉस नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज देखिए जैसे ही क्रॉस किया स्टॉक में आपको ये साफ साफ एक ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिला है। और ये जो ब्रेकआउट आपको आता हुआ देखने को मिला है ITC के स्टॉक के अंदर, ये साफ साफ संकेत दे रहा है कि हो सकता है यहाँ से आपको ITC के अंदर बड़ी तेज़ी देखने को मिले, जो स्टॉक को अब 240 एंड मेन टारगेट जो हमारा होगा वो 250 पे लेके जाएगी। एंड अब दोस्तों जो तेज़ी देखने को मिली जिसमें आप देखिए जो क्लोजिंग आई है 230 रुपये के ऊपर, इस क्लोजिंग के अपने काफ़ी मायने हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए अब ITC रोज आपको एक बड़ा मूव देता हुआ देखने को मिले, रोज 5-6% बढ़ जाए, देखिए ऐसा काफ़ी कम चांसेस होंगे कि स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिले, बढ़ जाए तब भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट मेनली हमको देखना होगा 240 रुपये के ऊपर कैसे निकल पाता ही है, या फिर यहाँ पे फिर वापस से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। देखिए मुझे लगता है कि अब मेनली जो सर्कमस्टेंसेज बन रहे स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है और तेज़ी करके दिखाएगा ये, तो यहाँ पे अब जिनके पास भी ये पोजीशंस बना रखी है वो बिल्कुल बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। नई खरीदारी करना चाहते तो देखिए ITC एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर आप कभी बाइंग करें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बढ़िया कर सकता है, बढ़िया करेगा भी, कंपनी के डिविडेंड डील भी काफ़ी बढ़िया है, कंपनी के फाइनेंशियल्स को कोई भी ख़राब नहीं कह सकता है जो कंपनी के फाइनेंशियल्स निकल के आते हैं। तो यही है कि देखिए कंपनी हर पॉइंट पर बढ़िया दिखती है, तो नेगेटिव मुझे देखिए कुछ भी यहाँ पर साफ साफ देखने को नहीं मिलता है। तो जस्ट आपको बने रहना चाहिए, यहाँ पर बेचने के बारे में ज़्यादा सोचिए मत, यहाँ से देखिए आपके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है, और क्योंकि स्टॉक ऐसा है कि आपको रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मेरी सलाह यही होगी करंट लेवल के आसपास बने रहिए, और यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको आने वाले एक महीने के अंदर 250 रुपीज़ का लेवल ये हो सकता है कि 90% शो कर जाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।